देखते हैं कंफर्टेबली बैठ पाती है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स बैठना भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत है। तो हैप्पी शिवरात्रि सबसे पहले, तो हर हर महादेव लिख दे कमेंट सेक्शन में, शिवरात्रि आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट डिमांडेड वीडियो, जिसका कि आप लोग सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मतलब कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ है। इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किया है किस बाइक में अपनी मम्मी को बिठा के दिखाने के लिए, लेडीज़ पिलियन टेस्ट पर एक वीडियो लाने के लिए, कम्फर्ट कैसा है, मम्मी वगैरह जो है वो बैठ पाती है या नहीं। क्योंकि जब आप बाइक ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न होता है अपने भाई लोगों का कि मतलब हम जो है वो मल्टीपर्पज़ से यूज़ कर पाएँ या नहीं। क्योंकि बाइक का अगर आप डिज़ाइन देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने स्पोर्टी रखा है। ओवरऑल में अगर आप इसके यहाँ पे सीट वगैरह को देखते हैं तो राइडर का जो सीट है वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउन सेट मिलता है, प्लेन का सीट यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा आपको देखने को मिलेगा। और इसमें फ्रेंड्स फिलहाल में अभी यहाँ पे जो है वो लेडी फुटरेस्ट नहीं आया है, मतलब अभी तक तो कंपनी ने नहीं दिया, हो सकता है बाद में कंपनी प्रोवाइड करेगी बट अभी नहीं मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बिठाने वाले हैं अपनी मम्मी को यहाँ पे, जो भी फ्रेंड्स उनका कम्फर्ट रहेगा वो आपको दिखाएंगे। अभी मम्मी वहाँ पे खड़ी है, तो रेडी है ना? हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हम बिठा के चेक करते हैं कि इनका जो सिटिंग कंफर्ट है वो कैसा आता है, कंफर्टेबल है या फिर नहीं है। इस बाइक की अगर हम करंट ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो ये बाइक अभी ऑन रोड जा रही है फ्रेंड्स लगभग में 118,000 के अप्रॉक्स में, इसका सबसे टॉप मॉडल। और अगर आप फ्रेंड्स ये ABS वाला मॉडल है, विदाउट ABS अगर आप लेते हैं तो आपको IBS मॉडल मिलता है जो कि ऑन रोड जाता है लगभग में इससे फ्रेंड्स 6 से 7 हज़ार रुपये कम, लगभग 1,12,000 से 13,000 में आपको वो मिल जाएगा ऑन रोड। तो ये कुछ यहाँ पे प्राइसिंग में आपको डिफरेंस मिलता है। लुक्स यहाँ पे सेम है, 3 कलर ऑप्शन में बाइक आती है, हमने ब्लू कलर परचेज किया है और फ्रेंड्स ब्लू कलर भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप रेड एंड ग्रे भी चेकआउट कर सकते हैं और जिन्हें ब्लैक कलर पसंद है वो ब्लैक के साथ जा सकते हैं। तो तीनों कलर ऑप्शंस आपको मिल जाता है। ये जो बाइक है फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कि 125 cc सेगमेंट में जब से लॉन्च हुई है तब से ही फ्रेंड्स मतलब इसका जो क्रेज़ है वो नेक्स्ट लेवल पर है। मतलब कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा प्रोवाइड किया है जो कि मतलब हमने सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं किया था कि 125 cc सेगमेंट में हमें मिल सकता है। जैसे सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया, इस प्राइस सेगमेंट में कंपनी आपको ABS दे रही है, ठीक है। ABS के साथ साथ आपको मिलता है 37mm के टेलीस्कोपिक फोक्स जो कि यहाँ पर आपको मिलता है, काफ़ी वाइड है ये जो टेलीस्कोपिक फोक्स, ये ज़्यादातर आपको 150-160 cc सेगमेंट की बाइक्स में आपको मिलती है। तो यहाँ पर ये जो है काफ़ी वाइडर सस्पेंशन आपको मिलता है। अगर आप लुक्स देखते हैं तो किसी भी फ्रेंड्स ये यहाँ पर 160 और 200 cc सेगमेंट की बाइक से कम नहीं लगेगी, मतलब लुक्स में तो खैर कोई देख के बोल ही नहीं सकता कि ये बाइक 125 cc की है। लुक्स नो डाउट काफ़ी तगड़ा है, जब आप फ्रेंड्स शोरूम पर जाके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट वीडियो में भी फ्रेंड्स बाइक काफ़ी बड़ी लगती है। टैंक वगैरह जो है वो अगर आप नज़दीक से देखते हैं तो काफ़ी मस्कुलर है, यहाँ पे आपको मिल जाती है 125 की बैजिंग। एक्सट्रीम का जो लोगो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिया गया, ट्रिपल टोन कलर्स का कंपनी ने यूज़ किया है, ये ट्रिपल टोन कलर्स है, सिल्वर है, ग्रे है और ब्लू है। तो कलर में कंपनी ने कहीं पर भी कोई कमी नहीं की है, कलर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंपनी ने चूज़ किया है। मतलब इस बार जो यहाँ पे हीरो ने है ना फ्रेंड्स यहाँ पे तहलका मचा दिया इस बाइक को लॉन्च करके। मतलब एक आप बोल सकते हैं कि ग्लैमर वगैरह तो खैर हीरो बेच ही रही थी, बट ये जो बाइक है मुझे लगता है कि ये काफ़ी यहाँ पे नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। अगर आप फ्रेंड्स इसके ग्रैब रेल वगैरह को भी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, ब्लू कलर में मिलता है, पेंट का क्वालिटी, फाइबर का क्वालिटी सभी कुछ यहाँ पे टॉप नॉच है। ये अगर आप देखते हैं तो ये इसका फुटरेस्ट है जो कि यहाँ पे आपको एल्युमिनियम में मिलता है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी नो डाउट काफ़ी अच्छी है। टायर हगर कंपनी दे रही है लगाकर, जो कि साथ में दे रही है, अलग से इसका प्राइस नहीं पे कर रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिलता है। ये है इसका साड़ी गार्ड, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि साड़ी गार्ड है या नहीं, तो साड़ी गार्ड है, ये आप देख पा रहे होंगे है, ये साड़ी गार्ड है, स्पोर्टी डिज़ाइन का है, लगता नहीं है कि साड़ी गार्ड है बट ये है साड़ी गार्ड, ये अपना काम कर देता है, काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। मतलब स्पोर्टी लुक पूरा यहाँ पे कंपनी ने देने की कोशिश की है। हीरो की बैजिंग मिलेगी यहाँ पे आपको, मिलता है राइडर का फुटरेस्ट, दोनों स्टैंड्स मिलता है, ये सिंगल स्टैंड, ये है मेन स्टैंड, 5 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप है, इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हॉर्न देखते हैं तो कंपनी सिंगल में आपको प्रोवाइड कर देती है। आपको हम स्टार्ट करके इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो एक बार यहाँ पे सुनाते हैं, बाइक को हम न्यूट्रल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बाइक को हम न्यूट्रल कर दिए हैं, अब यहाँ पे हम जो है वो इसे स्टार्ट करते हैं, आपको एग्जॉस्ट साउंड इसका सुनाते हैं। तो ये है फ्रेंड्स बाइक का एग्जॉस्ट साउंड, अगर आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा बेस मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा बेस नहीं है, माइल्ड टाइप का एग्जॉस्ट नोट है बट अच्छा लगता है। यहाँ पे इंजन किल स्विच वगैरह आपको सब मिल जाता है। मतलब ओवरऑल में अगर आप इसके मीटर वगैरह को देखते हैं तो विजिबिलिटी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इसकी कम लगी है मीटर की, यहाँ पे अगर आप मीटर देखते हैं तो अभी तो अच्छे से विजिबल है, बट आप जब फ्रेंड्स धूप में जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटी की कमी मुझे फील हुई है अभी तक, बाकी ऐसा और कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ। स्विचेस की क्वालिटी टॉप नॉच है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्विचेस जितना भी है ये सारा टॉप नॉच है, हॉर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, ये फ्रेंड्स चारों इंडिकेटर्स ऑन कर सकते हैं, हैजार्ड लाइट का स्विच, मिरर्स अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये सब यहाँ पे टैंक को आप नज़दीक से अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। यहाँ पे लुक्स वाइज तो बाइक यहाँ पे नो डाउट मतलब तहलका मचा रखी है। अब चलिए हम मम्मी को बुलाते हैं अपनी, यहाँ पे मम्मी अभी हमारी बैठेगी, जो भी उनका कंफर्ट रहेगा वो आपके साथ शेयर करेगी मम्मी। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, लाइक एम का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का,
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको और किसी बाइक का भी यहाँ पे कंफर्ट चाहिए, लेडी पिलियन कंफर्ट, तो आपको हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। रेडर का भी हमने जो है वो लेडी पिलियन टेस्ट कर यहाँ पे मतलब कर रखा है, उसका वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बस जाएँ और डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आपको फ्रेंड्स रेडर का भी जो लेडी पिलियन कंफर्ट है उसका आइडिया लग जाएगा। तो फिलहाल मैं मम्मी जी आ जाएँ, अभी सबसे पहले हम यहाँ पर मम्मी को बिठाएंगे, देखते हैं कंफर्टेबली बैठ पाती है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स बैठना भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, देखते हैं। तो ये बैठ चुकी है अपनी मम्मी जी, तो मतलब हम सबसे पहले मम्मी से ये पूछ लेते हैं कि कंफर्ट यहाँ पे कैसा है। तो आप पहले सबसे पहले कंप्लीट जो लुक्स है वो देख लें चारों साइड से, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से जो है वो आइडिया लग जाएगी बैठने के बाद यहाँ पे लुक्स जो है वो कैसा आता है। ये कुछ आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी पूरा कंप्लीट 360 आपको हम यहाँ पे वॉक अराउंड दे रहे हैं। अगर आप फ्रेंड्स सोच रहे थे यहाँ पे लेडी पिलियन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, तो वो सभी डाउट्स आपकी आज की इस वीडियो में क्लियर होगी। तो लाइक ज़रूर से करें फ्रेंड्स, ताकि हमें भी लगे कि आप हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम मम्मी से पूछ लेते हैं, मम्मी बैठने में दिक्कत हुआ किसी तरह का? नहीं, थोड़ा सा ऊँचा है, थोड़ा सा हाइट लगा ना? हाँ, थोड़ा सा हाइट। तो मतलब कैसा लगा आपको, मतलब बैठ के कहीं पे ऐसा लग रहा है कि हाँ बैठने में डेली दिक्कत होगा? अगर डेली बैठना है नहीं, नहीं दिक्कत नहीं होगा, अच्छा है। अच्छा है, हाँ। तो अगर हम बात करते हैं तो आप एक बार इस साइड से जो लुक्स है वो और अच्छे से देख लें आपको, जिससे कि यहाँ पे अच्छे से आइडिया हो जाए। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा राइड भी करेंगे, अभी हम फ्रेंड्स ग्राउंड में हैं, रोड वहाँ पे है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है वो अभी हेलमेट वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा ग्राउंड एरिया है, और यहीं पे भी हम जो है वो राइड करेंगे, ताकि यहाँ पे आपको अच्छे से जो है वो आइडिया लग जाएगी कंफर्ट जो है वो कैसा रहता है। राइड करने के बाद मम्मी से हम पूछ भी लेंगे कि कंफर्ट जो है वो सही मिल पाता है या फिर नहीं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बाइक को स्टार्ट किया है, ग्रैब रेल जो है वो पीछे आपको मिल जाता है, तो ग्रैब रेल का सपोर्ट यहाँ पे मम्मी ले सकती है। हाँ, तो ग्रैब रेल कैसा अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, कंफर्ट कैसा है, मतलब ग्रैब रेल पकड़ने में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं नहीं, पूरा कंफर्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार राइड करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी हम एक शॉर्ट बस राइड करेंगे आपको, जिससे कि यहाँ पे हम आइडिया दे पाए। ये आप देख पा रहे होंगे, तो कुछ ऐसा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो आपको कंफर्ट मिलता है। दो तीन यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वो हम राइड्स मार लेते हैं, ताकि यहाँ पे अच्छे से जो है वो हम आइडिया आपको दे पाए। ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे है, मतलब अगर आप यहाँ पर राइड कर ले रहे हैं तो ये मिट्टी वाला रोड्स है, तो फिर मतलब जो रोड पे वहाँ पे चलाना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। बाकी हमने यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वो एक आपको एक्सपीरियंस के लिए बस हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि अगर आप लेने का यहाँ पे सोच रहे हैं तो आपकी जो हेल्प है वो हो पाए। यहाँ पर आप आकर देखें थोड़ा सा, यहाँ पे जो रोड्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स बाइक जो है वो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है, काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखा दिया। काफ़ी भाई लोग कमेंट करते हैं कि मेरी हाइट क्या है, तो मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंच के मतलब अप्रॉक्स में है, तो इससे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंप्लीट आइडिया लग पा रहा होगा कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, और अगर आप लेडी पिलियन को बिठाते हैं तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो सीट का यहाँ पे मतलब हाइट का जो दिखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डाउन सेट थोड़ा सा अप सेट, तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंस मिलता है। बाकी अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी तक कहीं भी हमारी बाइक जो है वो टच नहीं हुई है, और अगर पिलियन पीछे बैठते भी है तो आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा यहाँ पे सस्पेंशन जो है वो डाउन होता है। तो यहाँ पे सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो भी नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है वो दी गई है। बाकी एक बार हम मम्मी से पूछ लेते हैं, अभी थोड़ा हम चलते हैं वहाँ पे अपने लोकेशन पे, वहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ से हम आ चुके हैं नीचे, और अब यहाँ पे हम मम्मी से बात कर लेते हैं कंफर्ट वगैरह जो है वो कैसा मिल रहा है बाइक में, कहीं दिक्कत हुआ या फिर नहीं। ठीक है, अब उतरो, देखते हैं उतरने में किसी तरह का कोई दिक्कत होता है या नहीं। आ जाओ आराम आराम से, ठीक है। तो ये यहाँ पे मम्मी जी जो है वो उतर चुकी है, अब पूछते हैं इनसे कंफर्ट वगैरह इन्हें कैसा लगा। इस साइड आ जाओ। तो अब बताओ कि मतलब कंफर्ट जो है वो कैसा रहा बाइक का, मतलब ओवरऑल में अगर हम बात करते हैं तो कैसा कंफर्ट है? अच्छा है, थोड़ा सा ऊंचा है सीट इसका, हाइट थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब हाइट ज्यादा रहने के कारण अगर हम बात करते हैं तो मतलब उतरने और चढ़ने में दिक्कत होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी अगर मतलब एक बार अगर बैठ गई तो उसके बाद किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं? नहीं, एकदम नहीं। मतलब बैठने के बाद किसी तरह का कोई नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। सीट वगैरह का कुशनिंग कैसा है ये? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा तो नहीं लगा कंफर्टेबल कुशनिंग की कमी है? नहीं 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 है, मतलब ओवरऑल में जो है कंफर्ट अच्छा है, बस थोड़ा दिक्कत जो है वो बैठने के टाइम पे और उतरने के टाइम पे होता है।
हाँ। बाकी अगर हम जैसे अगर डेली कम्यूटिंग की बात करते हैं, मतलब अगर डेली बाइक जैसे अगर चला रहे हैं हम और तुम्हें अगर बैठना है तो डेली बैठ सकती है यानी। हाँ। सही है। तो फ्रेंड्स ये हो गई यहाँ पे बाइक की ओवरऑल में कंफर्ट, और यहाँ पे ओवरऑल में आपको हमने यहाँ पे बाइक राइड करके भी दिखा दिया, सिटिंग कंफर्ट भी आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया है। तो अब हम मम्मी से पूछ लेते हैं कि ये 10 में से इस बाइक को कितना देना चाहेगी सिटिंग कंफर्ट के मामले में। तो हमें ये बताओ मम्मी कि सबसे पहले अगर हम इसके सीट्स की अगर कम्फर्ट की बात करते हैं, सिर्फ सीट के कम्फर्ट की, तो 10 में से तुम इस बाइक को कितना देना चाहेगी? 8। 10 में से 8। तो मतलब डे टू डे कम्यूटिंग वगैरह के लिए बाइक जो है वो अच्छा ऑप्शन बन जाती है, मतलब डेली अगर जाना आना है तो सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स एक यहाँ पे ओवरऑल में हमारा एक्सपीरियंस जो कि यहाँ पे एक्सट्रीम 125 आर के यहाँ पे मतलब पिलियन सीट को लेकर था, जिसमें कि हमने यहाँ पे फाइनली अपनी मम्मी को बिठा कर दिखा दिया है। तो मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट जो है वो हम आज के इस वीडियो में क्लियर कर पाए हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस यही था, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।